अलग है नहीं आ रहे तो अभी तो ट्राई में बैठे आ जा तू भी आ जा आप आ जा एक वो वसुंधरा वाले तू भी आ जा आ जाओ ना ताजी हाँ इधर ले आओ ताजी कुर्सी लगा देंगे तो वो लगा देगा क्या अब तक तो राजस्थान के मंत्री ही कहते रहे कि अधिकारी लोग उनकी बात उनकी मतलब बात नहीं सुनते अरे और जारी करने से पहले हाँ आज पहली बार मुख्यमंत्री ने कहा क्या कर दिया SC ST एक्ट में संशोधन वाला जो सरकार ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर जारी हो कि अभी मुख्यमंत्री ने 5-7 मिनट पहले बोला अधिकारी मेरी बात नहीं सुन बिना मेरी जानकारी के ऑर्डर जारी कर दिया सुना दो नहीं मैं मांग ले मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों को बातें करनी है चुनाव आते आते हमारी इसमें नहीं मान रहे उसमें मंत्री बोलते हैं सर नहीं सुन रहे कोई नहीं सुन रहा ये बोल रहे सर ये बोल रही ना आगे ठीक है यार हां आगे आ जाए क्या मतलब से ट्वीट किए थे ये बेटा है मन का स्कूल में पढ़ता है मैंने कहा तेरी इच्छा तो कुछ बैठ सकता हूँ उधर वाला ये तो इस कॉलेज में बन जाए कल को सोचे मेरे को नहीं था देखिए मंत्री सरकार के मंत्री सब पूरे राजस्थान में जनसंवाद का प्रोग्राम कर रहे हैं और हालात इतने खराब है कि जनसंवाद हो रहा है पूरे स्टेट में लेकिन राजधानी में बचपन दुखी है उनके माता पिता दुखी है स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है माता पिता इकट्ठे होकर जाते हैं जाकर कहते हैं कि आपने फीस गैरकानूनी तरीके से बढ़ाई है स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आप ये फीस नहीं बढ़ा सकते आप हमारी आवाज सुनिए उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है डराया जाता है सरकार का कोई भी मंत्री जो राजस्थान में घूम रहा है राजधानी जयपुर में सारे मंत्री रहते हैं मुख्यमंत्री रहती है आज तक किसी मंत्री ने यह नहीं समझा कि वो खुद जाकर पेरेंट्स से बच्चों से स्कूल वालों को बुलाकर मीटिंग करे और उनसे ये पूछे कि आखिर आपने ये फीस बढ़ाई तो किस एक्ट के तहत बढ़ाई 2013 में एक कानून आता है जो हम लेकर आते हैं फीस नियंत्रण कानून बनाते हैं 2016 में बीजेपी की सरकार एक नया एक्ट लेकर आती है स्कूल फीस नियंत्रण कानून और उसमें सारे क्लोज डाले जाते हैं कहते हैं अब हम प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही मनमर्जी बंद कर देंगे बेवजह वो फीस नहीं बढ़ा पाएंगे फीस बढ़ानी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट से और पेरेंट्स से उनको बात करनी पड़ेगी पहले सहमति होगी उसके बाद फीस बढ़ेगी और उस एक्ट में 2016 में ये भी प्रावधान है कि आप 3 वर्ष तक फीस नहीं बढ़ा सकते सरकार बीजेपी की सरकार एक्ट लाती है 2016 में कानून बनाती है विधानसभा में और अपने कानून की पालना बीजेपी की सरकार नहीं करती सरकार हमको ये बता दे क्या ये कानून सिर्फ दिखावे के लिए है या बीजेपी के मंत्री और सारे नेता हम ये मानते हैं प्राइवेट स्कूलों के साथ इस सारे आपराधिक कृत्य में मिले हुए हैं क्या उन्हीं की मेहरबानी से मनमानी फीस ली जा रही है क्या उन्हीं की मेहरबानी से ये कपड़े ये पाठ्यक्रम ये ड्रेस कोड ये यूनिफॉर्म ये स्पेशल कंपनी के जूते ये क्या सरकार ने अधिकृत कर दिया इनको सब मनमानी करने के लिए और यदि नहीं किया है तो जब कांग्रेस पार्टी शिक्षा संकुल जाती है तो मंत्री गायब हो जाते हैं इनके सेक्रेटरी गायब हो जाते हैं एजुकेशन सेक्रेटरी कल से सरकार कुछ हरकत में आई है क्योंकि कांग्रेस सड़क पर है जब कांग्रेस सड़क पर आती है तो सरकार कुछ एक्शन लेती है हमने 24 घंटे का टाइम दिया था कल जयपुर में राजधानी में 16 स्थानों पर मुख्यमंत्री के और मंत्री के पुतले जलाएंगे कि आप स्कूलों का जो षड्यंत्र है जो तानाशाही है उसको रोकिए एक्शन लीजिए 2016 के फीस नियंत्रण कानून को जो सरकार ने पास किया है उसको आप लागू कीजिए और यदि आप लागू नहीं करते कल तो मुख्यमंत्री और मंत्री के पुतले जलाएंगे और ये तय बात है कि आने वाले समय में और आंदोलन तेज करेंगे आंदोलन के लिए चाहे हमें मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना पड़े चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़े लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है एक्ट है उस एक्ट के तहत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की और आंदोलन बढ़ा और आंदोलन में कहीं भी टकराव हुआ तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे दुखी हैं बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनको डराया जाता है आप फीस जमा कराइए पेरेंट्स जाते हैं तो उनको कहा जाता है आप TC ले लीजिए आप बाहर चले जाइए कानून का सम्मान करना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर नागरिक की जिम्मेदारी है कानून की पालना कराना सरकार की जिम्मेदारी है
कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार अपना एक्ट पास किया हुआ लागू नहीं करा सकती, इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं है। हम ये मानते हैं नो गवर्नमेंट, राजस्थान में कोई गवर्नमेंट नहीं है। और ये बात आज फिर साबित हो गई जब मुख्यमंत्री ने खुद ने माना कि उनको पता ही नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कानून कब लागू कर दिया। आश्चर्य है, इसका मतलब मुख्यमंत्री मंत्री जो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उससे एक बात साबित हो गई है कि मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहे। और स्कूल फीस के मामले में फीस घटाओ बचपन बचाओ आंदोलन कल से कांग्रेस शुरू कर देगी, और इस आंदोलन के जरिए हम कल तो 16 जगह पुतले जलाएंगे, उसके बाद ये लगातार आंदोलन चलेगा। और इस आंदोलन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सरकार सीधे सीधे अपना एक्ट लागू करे, आदेश जारी करे, जिन स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है उस फीस पर तुरंत रोक लगाए, अभिभावकों का सम्मान हो, और 2016 के एक्ट के अनुसार हर स्कूल को एक्ट को अपनी कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। उस बात को लेकर राजस्थान पुलिस ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कहा, क्या समझते हैं कि अब ब्यूरोक्रेसी पे, अब तक मंत्री कहते थे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अब क्या मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया, मतलब सरकार को बिल्कुल ये लग चुका है कि ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री का राजनीतिक बयान है, मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों से पीछे हट रही है। यदि मुख्यमंत्री के आदेश के बिना कोई आदेश पारित हो रहा है, इसका मतलब ना तो मुख्यमंत्री राजस्थान में, ना सरकार है। इसका मतलब 4.5 वर्ष से मुख्यमंत्री ने और उनकी बीजेपी की सरकार ने जो काम किया उस काम में कहीं भी वो दखलअंदाजी नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री सिर्फ ये बयान देकर बच नहीं सकती, मुख्यमंत्री को अपनी ड्यूटीज को समझना पड़ेगा। और यदि मुख्यमंत्री ये बात कहती है कि मेरे बिना इस तरह के आदेश हो गए तो ये मुख्यमंत्री की असफलता है, ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, लोग जवाब उनसे जानना चाहते हैं। यदि उनकी बिना इच्छा के पारित हो गया तो क्या एक्शन लेने जा रही है, और यदि उनकी इच्छा से हुआ है तो उस पर भी उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन बीच का जवाब नहीं देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना उनको शोभा नहीं देता, और यदि फिर भी यदि किसी अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए तो मुख्यमंत्री को अपने अधिकार यूज करने का पूरा पावर है, उनको अधिकार यूज करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री है। और यदि वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते तो माना जाएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री है ही नहीं। बात समझ लीजिए, सरकार हमेशा जन कल्याणकारी होती है, कोई भी सरकार इस तरह का बयान देकर बच नहीं सकती। 2013 में हम कानून लेकर आए कांग्रेस सरकार, 2016 में ये लेकर आए, उस कानून में भी साफ लिखा हुआ 3 वर्ष तक आप फीस नहीं बढ़ा सकते, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप पेरेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट की बिना परमिशन के नहीं बढ़ा सकते। यदि सरकार ऐसा कह रही है तो सरकार अखबार में ये जारी कर दे बयान कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो एक्ट लाए थे वो बेकार है, उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, स्कूल मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कह दे वासुदेव देवनानी, हम अपने आप कर लेंगे स्कूलों से भी। लेकिन आपने कानून बनाया, इसका मतलब सरकार स्कूलों के साथ इस षड्यंत्र में मिली हुई है, सरकार अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। सरकार को पूरा राइट है, किसी भी काम में यदि कोई गलत काम हो रहा है, 50% फीस बढ़ रही है, स्कूल मनमानी कर रहा है, सरकार इंटरफेयर करेगी, ऐसा एक्ट है। सरकार एक्ट के जरिए खुद को बचाना चाहे कि उस एक्ट में ऐसा नहीं है तो फिर सरकार क्या है? यदि ऐसा कुछ भी सरकार ने किया नहीं है, 2016 में एक कानून गलत यदि वो लेकर आ गया, हालांकि मेरा जो पढ़ा हुआ है उसमें सरकार गलत कर रही है, आप पढ़ लेना, सरकार की बिना इच्छा के ये फीस बढ़ाई गई है, और आप देख लेना सरकार को आगे आना पड़ेगा। और यदि सरकार ये कहती है कि हम मनमानी नहीं रोक सकते, सरकार हमको बता दे, कांग्रेस खुद निपट लेगी। लेकिन यदि सरकार ये कहती है, इसका मतलब सरकार खुद इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। मैं अपर कैप पे नहीं जाना चाहता, आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं, जो ले रहे हैं वही बहुत ज्यादा है। आप जाके फीस का जो भी सिस्टम है आप देखिए, आपको कोई भी लागू करना तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन हो, पेरेंट्स हो, बैठकर मीटिंग हो उनकी, उसके बाद होगा, 5 होंगे 10 होंगे 15 होंगे, आप कैसे कर सकते हैं किसी की फीस 50,000 से सीधा 1,00,000, 70,000 से 1.5 लाख, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा फीस बढ़ी है, और इस वक्त
यदि पेरेंट्स में इतना जबरदस्त रिवोल्ट हो रहा, हर स्कूल में हालत खराब है, तो क्या गवर्नमेंट बैठे बैठे देखती रहेगी? वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा लगाते हैं, तो बेटी बेटे सब, वहां तो सबकी हालत खराब हो रही है। तो गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी नहीं है इतना डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है, वो एक्ट को भी मंगाए, सबको बुलाए और सॉल्यूशन करे। तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं है? जनसंवाद कहां कर रही है गवर्नमेंट? जनता तो चिल्ला रही है, कहां हो रहा है जनसंवाद? करो ना इनसे जनसंवाद, कौन मना कर रहा है? देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। नो डाउट स्टेट के जो भी यूथ है उनको ज्यादा अधिकार मिले, उसके लिए कांग्रेस जब भी हमारा हम बनाएंगे हमारा पूरा मैनिफेस्टो उस वक्त बात करेंगे, और बात करके जो हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा सब बैठकर उस वक्त डिसीजन।